नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्लिंथ बीम बनाते समय हमें किन पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे घर की प्लिंथ बीम भूकंप के समय पूरी तरह से सुरक्षित रहे। वीडियो के साथ साथ आपको अच्छे से समझाने के लिए एक छोटी प्लिंथ बीम हम अपने साथ लाए हैं जिससे हम आपको प्लिंथ बीम की बारीकियां समझा सकें। ठीक है, आपको अच्छे से समझाने के लिए प्लिंथ बीम की साइड की वीडियो दिखाएंगे और इसके साथ साथ इस छोटी प्लिंथ बीम से प्लिंथ बीम की बारीकियां हम आपको बताएंगे। ठीक है, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं कि साइड पर प्लिंथ बीम किस तरह से बनाई जाती है और उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि प्लिंथ बीम बनाते समय किन पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे भूकंप के समय आपकी प्लिंथ बीम पूरी तरह से सुरक्षित रहे। प्लिंथ बीम बनाने से पहले फाउंडेशन कॉलम को हम कुछ इस तरह से प्लिंथ लेवल तक बनाते हैं। फाउंडेशन कॉलम को प्लिंथ लेवल तक बनाने के बाद हम इस तरह से प्लिंथ बीम की शटरिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम प्लिंथ बीम की शटरिंग करते हैं। यहाँ पे ब्रिक की शटरिंग हुई है, यानी कि ईंट की शटरिंग हुई है। ब्रिक शटरिंग के अलावा स्टील या फिर वुड की भी शटरिंग प्लिंथ बीम के लिए की जाती है। शटरिंग करने के बाद कुछ इस तरह से प्लिंथ बीम का स्टील बार यानी कि सरिया लगाते हैं। आप देख सकते हैं प्लिंथ बीम की सरिया यानी कि स्टील बार बनाने के बाद हम कुछ इस तरह से कंक्रीटिंग करते हैं जिसके बाद हमारा प्लिंथ बीम वर्क कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं कि प्लिंथ बीम बनाते समय हमें किन पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी प्लिंथ बीम भूकंप के समय पूरी तरह से सुरक्षित रहे। एक से तीन मंजिला घर के लिए प्लिंथ बीम बनाते समय प्लिंथ बीम का जो मेन स्टील बार होता है, आप देख सकते हैं ये प्लिंथ बीम का मेन स्टील बार है। इस प्लिंथ बीम में मेन स्टील बार आप देख सकते हैं चारों कॉर्नर पर लगी हुई है। ये हमारी मेन स्टील बार है, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। एक से तीन मंजिला घर बनाते समय जो मेन बार है उसकी जो थिकनेस यानी कि मोटाई हो वो 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि इस स्टील बार की जो हमारी मेन स्टील बार है इसकी जो थिकनेस यानी कि मोटाई है वो 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग 10 mm का लगवा देते हैं, सो गलत करते हैं। ठीक है, आपको 12 mm की स्टील बार प्लिंथ बीम में यूज करनी है जो आपकी मेन स्टील बार होगी। ठीक है, और इसके अलावा यदि आप एक्स्ट्रा बीच में लगाना चाहते हैं, एक एक बार अगर आप एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं तो आप 10 mm की लगा सकते हैं। लेकिन आपकी जो मेन स्टील बार होगी जो आपके चारों किनारों पर लगेगी वो 12 mm से कम नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो प्लिंथ बीम में कुछ इस तरह से एक रिंग लगती है जिसको हम स्टीरअप्स बोलते हैं। इस रिंग को बनाते समय प्लेन स्टील बार नहीं यूज करनी है, यानी कि प्लेन सरिया नहीं यूज करनी है। प्लेन सरिये की बात करें तो आप देख सकते हैं ये वाली जो रिंग है बिल्कुल प्लेन सरिये से बनी हुई है। इस तरह के प्लेन सरिये से स्टील बार से आपको रिंग नहीं बनानी है। आपको इस टाइप के स्टील बार से इस रिंग को बनानी है जिसमें इस तरह की पट्टियां बनी हुई। आप देख सकते हैं इस स्टील बार में इस तरह की पट्टियां बनी हुई है, धारियां बनी हुई है, और इस स्टील बार में आप देख सकते हैं ये स्टील बार बिल्कुल प्लेन है। इस स्टील बार से आपको रिंग नहीं बनानी है। अब बात करते हैं कि प्लेन स्टील बार से आपको रिंग क्यों नहीं बनानी है। तो उसका रीजन यही है कि प्लेन स्टील बार कंक्रीट के साथ अच्छी पकड़ नहीं बनाती है, यानी कि कंक्रीट के साथ इसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है। ठीक है, सो प्लिंथ बीम की रिंग बनाते समय, स्टीरअप्स बनाते समय इस चीज का आप ध्यान रखिए कि प्लिंथ बीम की रिंग आप जिस सरिये से बनाएंगे वो प्लेन नहीं होनी चाहिए, इस तरह से रिब यानी कि पट्टियों वाली होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्लिंथ बीम की रिंग में हुक बना होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये प्लिंथ बीम की रिंग है, इसमें कुछ इस तरह से हुक बना होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हुक बना होना चाहिए। ठीक, सेकेंड रिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इसमें हुक नहीं बना है, इसको बस सीधे सीधे मोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं इसको ऐसे मोड़ दिया गया है दोनों तरफ, और इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से हुक बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की रिंग बिल्कुल गलत है। प्लिंथ बीम में कभी भी अगर आप रिंग बनवाते हो तो उसमें हुक जरूर लगाइए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आपको इस तरह से रिंग में हुक बनाना है, उसके बाद प्लिंथ बीम में लगाना है। ठीक है, जिससे आपका प्लिंथ बीम भूकंप के समय पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ठीक,
फोर्थ नंबर की बात करें तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो दूरी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक से तीन मंजिला घर बनाने के लिए। यानी कि ये हमारी फर्स्ट रिंग है, ये सेकेंड रिंग है, इन दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक से तीन मंजिला घर बनाने के लिए, ठीक है। फाइव नंबर की बात करें तो प्लिंथ बीम की रिंग बनाने के लिए हम जो स्टील बार यूज करेंगे उसका डाया 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो रिंग हम बनाएंगे वो 8 mm से कम स्टील बार से नहीं बनाएंगे, ठीक है। आपके लिए दो बातें स्पेशल है, प्लीज़ अभी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा प्लीज़। फर्स्ट, यह वीडियो घर बनाने का सही तरीका पार्ट 3 था। घर बनाने का सही तरीका कोर्स के सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके लिए एक स्पेशल गुड न्यूज है, एक गुड न्यूज है कि चैनल की तरफ से बिल्डिंग सेक्टर का एक कोर्स आपको फ्री में दिया जा रहा है। इस कोर्स में फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स को सिखाया गया है कि सिविल इंजीनियर साइड पर ड्राइंग लेकर कैसे बिल्डिंग के सभी वर्क को, यानी कि बिल्डिंग के फाउंडेशन से लेके स्लैब तक के वर्क को कैसे चेक करता है। यदि आप यह इम्पोर्टेंट कोर्स करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके यह कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो यह कोर्स बहुत अच्छा है, अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, साइट की बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।